हाँ फ्रेंड्स, पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद इस तरह का रसीद निकलता है यूटीआई का। यूटीआई पैन कार्ड जब भी आप अप्लाई करते हैं कस्टमर को देने के लिए ऐसा स्लिप निकलता है। यहाँ पे पैन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है, इसे आप यहाँ डाउनलोड करके फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट करके रसीद आप कस्टमर को दे सकते हैं कि आपका पैन कार्ड अप्लाई हो चुका है। तो अगर रसीद आपको इस तरह से नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो आपको रसीद भूल गए हैं, तो उसके लिए सबसे पहले यूटीआई की वेबसाइट पे जाना है, फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आना है डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको पहले 49A वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे जो भी आपका ईयर से जिस साल में आपने पैन कार्ड बनाया उसे सेलेक्ट करेंगे। सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जितना पैन कार्ड बनाएंगे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर आ गया है। तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है अप्लाई न्यू पे। यहाँ पे आना है सबसे नीचे, यहाँ पे देखिए रीजनरेट एक्नॉलेजमेंट स्लिप, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये रीडायरेक्ट करके आपको यहाँ पे देखिए आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रीडायरेक्ट किया, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा स्लिप आ रहा है। नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए आ गया। तो इस तरह से आप भी अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकाल सकते हैं। किसी कस्टमर का आपने पैन कार्ड अप्लाई किया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे निकाल के दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।